डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेश मोदी, टीजीटी मैथ्स इन हरवासा विद्या विहार। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। क्वेश्चन है कि जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ए बी दैट इज 80 मीटर। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, और टू पोल्स जिनकी हाइट दोनों की सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, एक इधर है एक इधर है, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब ए बी जो 80 मीटर रोड है उसके बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। उस पॉइंट से एक पोल पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरे पोल पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस। आपको पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है। इज द पॉइंट एडी एंड बीसी, यू हैव टू फाइंड एडी एंड बीसी and the distances of the point from the poles, और इस point से इस pole का distance AE और EB, ये find out करना है। You have to find AD and BC and AE and EB, ये आपको distances find out करने हैं। Let H is the height of the pole and both the height of the pole are same. Let AD is equal to BC, that is equal to H meter. ठीक है, अब आपके पास ये E पॉइंट है, टोटल हाइट 80 मीटर है। लेट AE is equal to X meter, then EB is equal to 80 minus X meter. AE is equal to X meter, then EB is equal to 80 minus X meter. टोटल AB इज इक्वल टू 80, सो AE इफ X है तो ये क्या रहेगा आपका 80 माइनस X मीटर। ठीक है बेटा, अब आपके पास टू राइट ट्रायंगल्स है, DAE एंड CBE। फर्स्ट यू टेक DAE इन राइट एंगल ट्रायंगल DAE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन AE, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AD इज इक्वल टू H एंड AE इज इक्वल टू X, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 60, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू अंडर रूट 3X। Now, H is equal to under root 3X. Now, take triangle CBE. In triangle CBE, BC upon BE, that is equal to tangent 30 degree, perpendicular upon base. BC is equal to H and BE is equal to 80 minus X, that is equal to tangent 30, 1 upon under root 3. Cross multiply under root 3H is equal to 80 minus X. Now you have to put the value of H here, under root 3X. From this
अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 80 माइनस x. नाउ अंडर रूट 3 h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x. अंडर रूट 3 को जब हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x. सॉल्व इट, देन x इज इक्वल टू 20 मीटर. अब आपके पास x वैल्यू दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, देयरफॉर x इज इक्वल टू a. सो डिस्टेंस ऑफ a मींस द डिस्टेंस ऑफ द वन पोल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. सो a इज इक्वल टू 20 मीटर. सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आल्सो eb. eb इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर. तो x इज इक्वल टू 20, देन eb इज इक्वल टू 60 मीटर. सो a 20 मीटर, eb 60 मीटर. अब आपके पास टू डिस्टेंसेस आ गए, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल आल्सो. हाइट ऑफ द पोल फ्रॉम दिस h दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3x. नाउ x इज इक्वल टू 20 मीटर, पुट हियर द वैल्यू ऑफ x. नाउ h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3. सो हाइट ऑफ द पोल इज 20 अंडर रूट 3 मीटर. नाउ यू कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3. आपको पता है अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 1.73. आप टू डेसिमल तक ले सकते हैं. सो h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.73 जीरो. अब टू डिजिट के बाद डेसिमल रिवर्स, इतने मीटर. दैट इज इक्वल टू 34.6 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ द पोल. सो इन दिस वे बोथ द पोल हैव द सेम हाइट. सो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 34.6 मीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पोल दैट इज 20 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेकेंड पोल इज 60 मीटर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल. एक कैनल है, BC इज द, AB इज द कैनल एंड ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल. अब एक टीवी टावर है, वो स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. अब यहां से ये वाला जो एंगल है एलिवेशन, बीस इज द हाइट ऑफ द टावर एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. अब यहां से 20 मीटर दूर डिस्टेंस कितना ले लिया, यहां से 20 मीटर, यहां से 20 मीटर अवे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दिस टावर इज 30 डिग्री. अब इस पॉइंट से जो 20 मीटर अवे है, फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर इज 30 डिग्री. ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर इज h एंड द विथ ऑफ द कैनल, ए बी इज द विथ ऑफ द कैनल, लेट इट टेक बी x मीटर. सो ये 20 मीटर, ठीक है, तो आपको ये भी मीटर में h मीटर एंड x मीटर. आपको हाइट निकालनी है टावर की और विथ ऑफ द कैनल.
let BC, that is the height of the tower, that is equal to h meter, and width of the canal AB, that is equal to x meter. Here two triangles are formed, BCA, right angle triangle, two right angle. First is CBA and second is CB. आप इसको D पॉइंट ले लो, CBD. ओके, तो फर्स्ट यू हैव क्रिएट द राइट एंगल ट्रायंगल CBA इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA, HBC अपॉन BA, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री. BC इज H एंड AB इज X एंड टेंजेंट 60 इज अंडर रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई H is equal to under root 3x. First equation. Now take triangle CBD. In right angle triangle CBD, BC upon DB, that is equal to tangent 30 degree, perpendicular upon base. BC is H and DB is, अब टोटल ये x ये 20, तो टोटल db की लेंथ हो गई x प्लस 20 और टेंजेंट 30 इज 1 अपॉन अंडर रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 20 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h. नाउ यू हैव टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ h, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3x. सो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 20. Under root 3 into under root 3, 3x, that is equal to x plus 20. Now 3x minus x, the 2x is equal to 20, x is equal to 10 meter. अब आपके पास x क्या है, width of the canal. So width of the canal, that is equal to 10 meter. एक आंसर आ गया आपके पास. अब आपको निकालना है height of the tower. Height of the tower H, BC, that is equal to H. So H is equal to under root 3X. Put the value of X here into me 10. So H is equal to 10 under root 3 meter. That is the height of the tower. You can put here the value of under root 3, 1.73. That is equal to 17.3 meter. और इसको आप 3 डेसिमल तक भी ले सकते थे, लेकिन आप 2 डेसिमल तक भी ठीक है. तो 1.73 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 17.3 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ द टावर एंड ए बी इज द विथ ऑफ द कैनल, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आपके पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 7 मीटर, दैट ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री. एक केबल टावर है. अब यहां से इस केबल टावर का टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब टावर की जो हाइट है वो बिल्डिंग से ज्यादा है. अब ये वाला है आपके पास सीडी, सीडी इज द हाइट ऑफ द टावर. अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के केबल पर क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 60 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. अब इसके टॉप पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और इसी पॉइंट से इसके फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 40. ये ओरिजेंटल लेवल है, इसके साथ ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री. ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल. अब ये एंगल जब आपका 45 डिग्री है, बोथ आर पैरेलल, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आपको डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालना है,
हाइट ऑफ द टावर, सी डी निकालना आपने, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या हो गया, सी डी, हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए ये आपके पास ए बी सी डी ई, ये पॉइंट ले लो ई। अब ए बी 7 मीटर है, तो जो डीई है वो भी क्या होगा आपके पास 7 मीटर, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं सी को एच, सी इज इक्वल टू एच। तो आपको टोटल हाइट ऑफ द टावर निकालनी है सी डी, तो सी डी की लेंथ हो गई एच प्लस 7, एच प्लस 7 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है टोटल हाइट ऑफ द टावर, तो आप h फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें 7 ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, और फिर हम लेंगे ए बी डी या ए सी, ये भी ले सकते हैं, ए बी की एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट वी हैव इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी CE upon E perpendicular upon base that is equal to tangent 60 degree. अब C आपके पास कितने है, H, और AE आपको भी मालूम नहीं है, that is tangent 60, AE को आप X भी मान सकते हैं, A is equal to X meter. तो A की वैल्यू पुट कर दो here. That is h upon x is equal to tangent 60 under root 3 cross multiply h is equal to under root 3x, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अब आप ट्रायंगल लेंगे ए बी डी या ए ई डी, कोई भी ले सकते हैं, दोनों ट्रायंगल सेम है, बेस इक्वल है, ये भी सेम इक्वल है, एंगल 45, ये भी 45, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी, अब जब हमने ए को एक्स मीटर लिया है तो बी डी भी क्या हो गया हमारा एक्स मीटर, तो ए बी अपॉन बी डी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड बी डी इज ऑल्सो एक्स मीटर, सो टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 दैट इज इक्वल टू 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर, आपके पास एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर आ गए। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, एंड हाइट ऑफ द टावर इज एच प्लस 7 मीटर, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एच, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 7 मीटर इन दिस इक्वेशन, so h is equal to under root 3 into 7, therefore h is equal to 7 under root 3 meter, so h आपके पास आ गया 7 under root 3 meter. Now you have to find the height of the tower, then height of the tower is h plus 7 meter. Now put the value of h here, 7 under root 3 plus 7, that is the height of the tower. Now you can solve it, 7 is common in both the terms, therefore 7 is common under root 3 plus 1, ठीक है बेटा। अब आपके पास under root की term है, तो under root 3 की value आपको already पता है, under root 3 is equal to 1.73, ठीक है, 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 इज हियर दैट इज इक्वल टू 7.73 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7 × 2.73। अब आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.73, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 51 एंड 19, तो 19.11 मीटर दैट इज द हाइट ऑफ द आपको क्या निकालना था, टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 19.11 मीटर, दैट इज योर आंसर।
अंडरस्टैंड? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली ट्रायंगल लेनी है एईसी, देन यू कैन टेक आइदर एडी और एबीडी। ये आपने एच माना है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 हो जाएगा, एंड देन टोटल हाइट ऑफ द टावर इज एच प्लस 7 मीटर। सो इन दिस वे यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।